हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनोज टीवी। दोस्तों, अगर आप भी IRCTC एप्लीकेशन से टिकट बुक करते हैं और एप्लीकेशन हैंग होने या पेमेंट फेलियर की वजह से टिकट बुकिंग नहीं हो पाता, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम से ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, इसे टिकट बुक करने से क्या फ़ायदा होता है और टिकट बुकिंग का क्या प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं इसको। नीचे ड्रैग करने फ्रेंड्स ये मोर का ऑप्शन आएगा, मोर के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। मोर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद इसमें नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद आपको एक ट्रेवल का कॉलम दिखाई देगा, इसके अंदर आपको ट्रेन टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसमें आप सोर्स स्टेशन भर लीजिए, कहाँ आपको जाना है। जैसे सोर्स स्टेशन मैंने नागपुर भरा हुआ है और डेस्टिनेशन आरा भरा हुआ है। इसमें डिपार्चर का डेट आप चूज़ कर लीजिए जिस दिन आपको जाना है। तो जैसे हमने 25 तारीख को चूज़ कर लिया, इसके बाद हम सर्च ट्रेन करते हैं। ट्रेन सर्च करने के बाद आपको ट्रेन में जो जो सीटें खाली हैं या वेटिंग है सब डिटेल आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर। तो इसमें से आप कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए, जैसे हमने स्लीपर का ये चूज़ किया है, वेटिंग लिस्ट 22 वाला। इसमें फ्रेंड्स आप जनरल, तत्काल, लेडीज़ कोटा भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं आपको दिखाने के लिए जनरल चूज़ कर लिया हूँ, 25 तारीख का डेट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है लॉगिन करने के लिए पेटीएम के अंदर। मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो पासवर्ड है आपका पासवर्ड डाल लीजिए। लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन करने पे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं आता तो इसको रिसेंड कर लेंगे, रिसेंड ओटीपी। देखिए फ्रेंड्स, सभी ओटीपी आ गया है, तो ये ओटीपी हम इसमें एंटर कर देते हैं। इसको लॉगिन कर लेते हैं। अभी हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद 25 तारीख का डेट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपका जो यूज़र आईडी है IRCTC का वो मांगेगा, तो वो डालना पड़ेगा आपको। तभी मैं डाल लेता हूँ अपना यूज़र आईडी। डालने के बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपका इसमें ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो इसको भरना पड़ेगा। जो भी आप पैसेंजर का डिटेल है इसमें डाल लीजिए नेम के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अपना नाम डाल देता हूँ, मनोज कुमार। मेल है, फीमेल है, वो टिक कर लीजिए। इसके बाद एज डाल लीजिए आप, एज, बर्थ च्वाइस। बर्थ चॉइस में आपको जो भी बर्थ चाहिए वो बर्थ आप चूज कर लीजिए। नेशनलिटी इंडियन रहने दीजिएगा। इसके बाद इसको डन कर लीजिए। डन करने के बाद ये एडिशनल प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शनल है फ्रेंड, ये नहीं भरना है। इसके बाद ये नीचे में आ रहा है IRCTC एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड ये कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका आ गया, इसके अंदर ईमेल आईडी आपका शो कर जाएगा जो आप IRCTC के अंदर होगा। इसके बाद ये दोस्तों डेस्टिनेशन एड्रेस आ रहा है, तो आपको जहाँ पर जाना है वहाँ का डेस्टिनेशन एड्रेस डालना होगा। तो आप पूरा डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, कुछ 4 डिजिट डालकर इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स ये पिन कोड ज़रूर डालना, क्योंकि ये इसके बिना आपका टिकट बुकिंग नहीं होगा। तो पिन कोड हम डाल लेते हैं। एड्रेस में आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालिए, और ये पिन कोड ज़रूर है डालना आपको। जैसे पिन कोड डालते ही वहाँ का सिटी है, जो भी स्टेट है वहाँ का पूरा आ जाएगा पिन कोड से। तो पोस्ट ऑफिस आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है चूज़ कर लिया हमने। इसके बाद फ्रेंड्स ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड टू बुक। तो अभी हम इसको प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड टू बुक क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आएगा मैसेज, उसमें आप देखिए आपका यूज़र आईडी वेरीफाइड दिखा रहा है। फिर इसके बाद लिखा रहा है आई रिमेंबर माई IRCTC पासवर्ड, आई डोंट रिमेंबर माई IRCTC पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड है तो ऊपर वाला क्लिक करके कंटिन्यू बुकिंग कर दीजिए। कंटिन्यू बुकिंग करने के बाद
एक पेज ओपन होगा, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा आपका, पूरा फेयर का भी दिखा रखा है इसके अंदर कि आप कौन सा टिकट बुक कर रहे हैं, पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। एक ये टाइमिंग चलता हुआ दिखा रहा है फ्रेंड कि इतने मिनट लेफ्ट टू मेक पेमेंट एंड कंफर्म बुकिंग, बुकिंग करने के लिए इतना मिनट के अंदर आपको बुकिंग करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो ये पूरा ही रिफ्रेश हो जाएगा पेज, तो हमें 10 मिनट के अंदर अंदर ये टिकट बुक कर लेना है। तो अभी हम प्रोसीड टू पे करते हैं, जैसे 618 रुपये 37 पैसे का टिकट है हमारा ये, तो अभी हम इसको प्रोसीड टू पे कर लेते हैं। प्रोसीड टू पे करते ही फ्रेंड्स ये ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अभी हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको करके एक बार। पेमेंट करते ही फ्रेंड ये ओटीपी आएगा पेमेंट का, और ओटीपी डालते ही आप सबमिट कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आप टिकट बुक कर सकते हैं पेटीएम से। इससे फ्रेंड्स बहुत फास्ट टिकट बुक होता है, इसमें कोई डिले नहीं होता है और पेमेंट फेलियर का भी इसमें बहुत कम चांसेस है। और इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत सारे ऑफर भी मिलते हैं पेटीएम के अंदर टिकट बुक करने का, तो इस तरह से आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और हैंग होने की जो प्रॉब्लम आती है IRCTC एप्लीकेशन के अंदर, या पेमेंट फेलियर का प्रॉब्लम जो आता है, उससे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।